नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी लोग बढ़िया होंगे, दोस्तों सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जो है बात करने वाले हैं शैम्पू का इस्तेमाल दोस्तों हम लोग मिल्क के अंदर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और करते भी हैं तो दोस्तों आपको किस टाइम इसका इस्तेमाल करना है मिर्च की फसल के अंदर, और आपको किस किस दवा के साथ दवाओं के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लगाने से आपको क्या क्या बेनिफिट दोस्तों देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दोस्तों मैं हूं प्रदीप राजू दोस्तों, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द टेक्निकल किसान। दोस्तों यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बराबर में जो घंटे का निशान रखा है दोस्तों उस पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे खेती से रिलेटेड और मिर्च की फसल से रिलेटेड दोस्तों आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियो मिलने वाली है दोस्तों। तो वीडियो में बने रही दोस्तों, बात कर लेते हैं शैम्पू का इस्तेमाल हम मिर्च की क्रॉप के अंदर कितने दिन बाद करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, मिर्च आपकी ट्रांसप्लांटिंग यानी हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने सितम्बर मंथ में या अगस्त महीने में मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग कर दी है, तो दोस्तों शैम्पू का इस्तेमाल जो आपको करना है वो करना है दोस्तों आपको लगभग 40 से 45 दिन के बाद आपको अपनी मिर्च की फसल के अंदर दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है। बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन के अंदर ही दोस्तों शैम्पू का इस्तेमाल कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ होता क्या है शैम्पू से, हमारे फायदे क्या क्या होते हैं शैम्पू लगाने से। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, शैम्पू का इस्तेमाल जब हम लोग फसल के अंदर करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी पत्तियों के ऊपर जितना भी डस्ट होता है, धूल मिट्टी होती है, या फिर हमने जिन कॉन्टैक्ट फंगीसाइड वगैरह दवाएं हैं या और भी दवाएं आती हैं कॉन्टैक्ट में, उनका इस्तेमाल दोस्तों हमने फॉलियर स्प्रे किया है, तो होता क्या दोस्तों जितनी भी हम कॉन्टैक्ट दवाओं का स्प्रे करते हैं तो वो पत्तियों पर जाके चिपक जाती है, और उससे क्या होता है दोस्तों हमारी पत्तियों की जो बारीक से जो छिद्र होते हैं वो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो दोस्तों शैम्पू का इस्तेमाल हम लोग जिस तरीके से हेयर क्लीनिंग करने के लिए करते हैं यानी बालों की सफाई करने के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार दोस्तों आप पत्तियों की सफाई धुलाई करने के लिए भी आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। होता क्या दोस्तों मिर्च के अंदर यदि आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो जितना भी मिलीबग होता है, ठीक है ना, यानी मिलीबग होता है उससे भी आपको राहत देखने को मिल जाएगी, प्लस आपके मिर्च के पौधे के ऊपर जितना धूल मिट्टी पत्तियों पर जो छाया हुआ है वो पूर्ण रूप से क्लीन हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी जो इस्तेमाल आप करना चाहते हैं दोस्तों तो आप उस टाइम कीजिए, ऐसा हो सकता है कि बारिश ना हुई हो, ठीक है ना, बारिश लंबे समय तक ना हो, उससे क्या होता है पत्तियां धुल नहीं पाती, तो कोशिश ये करें अगर बारिश जल्दी भी हो तो उस टाइम आप शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, जब लंबे समय तक बारिश देखने को ना मिले, पत्तियाँ हमारी धुंधली मिट्टी टाइप की दिख रही हो, मिट्टी डस्ट ज़्यादा हो गया हो, उस टाइम दोस्तों आप शैम्पू का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो उससे शैम्पू लगाने से दोस्तों एक तो आपको पत्तियां हरी भरी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, मिट्टी जितनी धूल मिट्टी पड़ी हुई है वो एकदम से क्लीन हो जाएगी, और जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है ना वो पूर्ण सुचारू रूप से दोस्तों शुरू हो जाएगी, सही है ना। तो शैम्पू का इस्तेमाल आप करिए, और उसकी जो डोज लेनी है आपको वो लेनी है दोस्तों आपको 1 लीटर पानी के अंदर 1 ml से लेके 1.5 ml तक शैम्पू का इस्तेमाल दोस्तों आप अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं, सही है ना। अब बात आते हैं दोस्तों हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जिसका इस्तेमाल एक स्टिकर के तौर पे करते हैं, ठीक है ना, यानी स्टिकर के तौर पे करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे दवा फैल जाती है। दोस्तों होता क्या है, आपको शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं सही बात है, लेकिन आपको इसके नुकसान भी दोस्तों देखने को मिल जाते हैं कहीं। दोस्तों मैंने खुद इसका ट्राई किया था, लेकिन उससे आपको नुकसान मैं बता दूँ, आपको नुकसान क्या होता है, जब भी हम कोई महंगी दवा मार्केट से ला के अपनी फसल के अंदर लगाते हैं, मान के चलो आपने कोई भी फंगीसाइड जो आते हैं लिक्विड में आते हैं, गाढ़े फॉर्म में आते हैं, वो आप अगर स्प्रे में डालते हैं और उसमें आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे दवा आपकी फटने के चांस रहते हैं। दवा जब फट जाएगी दोस्तों तो जो रिजल्ट आपको दवा के मिलने चाहिए वो रिजल्ट आपको देखने को बढ़िया नहीं मिलेंगे। तो कोशिश की है कीजिए दोस्तों, आप अगर महंगे मॉलिक्यूल महंगी दवाएँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो मार्केट से एक जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आते हैं दोस्तों आप उसे भी ले लीजिए, अपनी उस दवा के अंदर उन स्टिकरों का दोस्तों आप इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदा आपको देखने को ये भी मिलेगा, एक तो आपकी दवा पूर्ण रूप से पत्तियों में फैल जाएगी, ठीक है ना, और पत्तियों के ऊपर नीचे दोनों तरफ बढ़िया तरीके से फैल जाती है दवा, और आपको दोस्तों लंबे समय तक उसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, उन दवाओं का बेनिफिट भी दोस्तों आपको लंबे समय तक देखने को मिल जाएगा,
तो कोशिश ये कीजिए आप शैम्पू का इस्तेमाल न करके, आप कोई भी मार्केट से, बहुत सारे स्टिकर चलते हैं, बहुत सारी कंपनियां स्टिकर देती हैं, वो स्टिकर लाके आप अपनी दवाओं के साथ मिला के बढ़िया से दोस्तों इस्तेमाल करें आप, ठीक है ना। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, लंबे समय तक दोस्तों आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, सही है ना। तो मेरी राय आप लोगों से यही है कि शैम्पू का इस्तेमाल आप सिंगल में तो कर सकते हैं, लेकिन दवाओं के साथ आप लोग न करें तो सबसे बढ़िया बेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों जो किसान भाई हमारे टमाटर की खेती करते हैं या मिर्च की खेती करते हैं, तो दोस्तों आपको इस चैनल पर क्या है, रेगुलर मिर्च और टमाटर की वीडियो रेगुलर आपको मिलने वाली है। क्योंकि सितंबर मंथ में दोस्तों बहुत सारे किसान भाई हैं जो सिंजेंटा कंपनी का हिमसोना टमाटर आता है उसकी वेराइटी की पौध डालने वाले हैं, और मार्केट में दोस्तों अगर मैं बात करूँ आज की, तो मार्केट में दोस्तों लगभग आ चुका है बीज, आपको उसे डालना चाहते हैं तो 20 सितंबर के बाद ही आप टमाटर हिमसोना की वेराइटी की पौध की आप नर्सरी डालें दोस्तों, सही है ना। तो उसको लेके भी दोस्तों हमारी रेगुलर चैनल पर वीडियो आपको मिलने वाली है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो। मिलता हूँ दोस्तों मैं अपने आपसे नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान सभी।